अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का हर मकदम है, जहाँ एक तरफ हिंदू मुस्लिम का जहर माशरे में पूरी कुव्वत के साथ फैला जा रहा है, मुस्लिम माशरे को एक तरह से अलग थलग का और निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, वहीं मुस्लिम माशरा किस बेगैरती के इंतहा में दस्ता जा रहा है इसको बयान करना मुश्किल हो रहा है। वैसे आज जुमा में मुसलमान रस्मी तौर पर मस्जिदों में दाखिल हुए, दो रकात नमाज भी अदा की और हसबे मामूल घरों को भी लौटे। हर जुमा की तरह इस जुमा में भी कोई मकसद, कोई मंसूबा या कोई जिंदगी का नस्बुलैन कहीं पर नजर नहीं आया। जब पूरा माशरा दिन ब दिन मुसीबतों के दलदल में धंसता जा रहा है, वही माशरे में किसी तरह की तब्दीली तो दूर की बात, खुद मुसीबतों के गड्ढे खोदता दिखाई दे रहा है। आज इस मौजू पर बोलने पर मजबूर इसलिए भी हो गया हूँ कि पिछले कुछ महीनों से घरेलू तनाजे की वारदातों में कई गुना इजाफा होता जा रहा है। अब इसे जिम्मेदारी किसे ठहराया जाए, इस पर भी तबसरा बारहा इस पर हो चुका है, पर किसी तरह माशरा सुधरने का नाम नहीं ले रहा। कभी हमने जमातों को जिम्मेदार ठहराया, कभी वालिदैन को जिम्मेदार ठहराया, कभी लड़का लड़की को जिम्मेदार ठहराया। अगर कोई इदारा तंजीम अपने अच्छे खिदमात अंजाम दे भी रहा है तो इसे किस तरह बंद किया जाए या फिर गैरों के जरिए इसमें रुकावट लाई जाए। हालात ऐसे बने हुए हैं कि मुसलमानों का कोई इदारा, अस्पताल, तालीमी इदारा पनपते नजर नहीं आ रहा। अब तो कुछ इदारों ने तालीम के नाम पर रुपये कमाने की मशीन ही बना ली है। मक्का मदीना जैसे नामों को रख कर इदारे शुरू तो किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर दुनिया परस्त लोग दुकान सजाकर बैठे हुए हैं। खैर, कभी तालीमी इदारों पर बहस हो सकती है, खासकर जब से हिजाब का मामला है तो अक्सर मुसलमान अपने इदारों की तरफ रुझू होना मुनासिब समझ रहे हैं। लेकिन दीन का नाम देकर दुनिया कमाने वालों की तादाद में जबरदस्त इजाफा होता जा रहा है। अब तो इतने हजार फी अदा नहीं कर सकते तो आपको हमारे इदारे में दाखिल होने की जरूरत नहीं है। हमने क्या ये इदारा सामाजिक खिदमत या कौमी इदारा बनाने के लिए नहीं शुरू किया हुआ है? हमने पैसा कमाने के लिए ही शुरू किया हुआ है कहते हुए क्या मुसलमानों ने हमारे मदद की है या किसी ने हमें चंदा दिया है, जैसे ताने भी कसे जा रहे। खैर, मौजू कुछ अलग है। रोजाना नई मुसीबत खबरों के जरिए मुस्लिम माशरे पर थोप दी जा रही है और इससे कोई वाकिफ नहीं है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जिस कदर मुस्लिम माशरे में मियां बीवी के झगड़े तमाम दायरों को पार कर रहे हैं, तो इस पर तबादले ख्याल भी जरूरी है, लम्हे फिक्र भी जरूरी है। बात उतनी ही सच है कि इस माशरे का कोई फुरसाने हल नहीं है। जमातों की जिम्मेदारियां या फिर मोहल्ले की जमातें क्या किरदार निभा रही है, अब इसे अलग बोलने की जरूरत नहीं है। आज किसी तरह का मुकाबला न रखते हुए कहना पड़ रहा है कि खासकर तालीम हासिल करने वाली लड़कियां या लड़कियां किसी हाल में समझौता करने के लिए तैयार ही नहीं। ताज्जुब इस बात का लगता है कि जब माशरे का बड़ा तबका और खासकर नौजवान तबका घरेलू मसाइल से ही जूझता रहेगा तो कौमी मसाइल की तरफ कैसे तवज्जो दे पाएगा। सबसे पहले तो मुस्लिम माशरे के माश को निशाना बनाया जा रहा है, इनकी इकोनॉमिक्स को निशाना बनाया जा रहा है, इनके कारोबार, फैक्ट्रियां, दुकानों, घरों को वैसे भी निशाना बनाने के मनसूबे सुबह शाम चलाए जा रहे हैं और इसी दौरान कौम का बड़ा तबका तलाक, खुला अदालत, पोडगी में उलझता नजर आ रहा है। तो फिर तहफ्फुज कौमी तरक्कियों पर अपनी सलाहियतें कैसे लगा पाएगा? खासकर लड़कियों में आज़ाद ख्याली की सोच और खुद तालीम याफ्ता होने की तकबरी समाजी ताने बाने को ही तहस नहस करने की वजह बनती जा रही है। अब तो अदालतों के साथ महिला मंडल, महिला पुलिस थाने की कुछ एजेंट बने हुए हैं जो किसी भी मर्द खवातीन को गाली गलौज से बात करते हुए अपना कमीशन रखते हैं। खासकर कुछ इलाकों में ऐसे गिरोह सरगर्म है और बजाय मियां बीवी में सुलह करने के 25 लाख मांगो, 50 लाख मांगो के मशवरे देकर पुलिस थानों के जरिए मैनेज किया जा रहा है। अपने आप को खवातीन के हमदर्द बताकर अपना काम निकाल लेने वालों पर भी कार्रवाई की मांग माशरे में की जा रही है। जब हर मोहल्ले का हर दूसरा या तीसरा घर ऐसे घरेलू तनाजे का शिकार होने लगे तो मौजूदा दौर में माशरे का मुहाफिज सिवाय अल्लाह के कोई नहीं है। और खासकर जो अपने आप को खवातीन के हमदर्द बताकर उल्टे सीधे मशवरे देते हैं, इन पर जमातों की जानिब से भी कार्रवाई जरूरी है। ये औरतें ऐसी हैं जो जमातों से भी नहीं डरती, यानी कि वो किसी भी निचले सतह पर आने के लिए वो तैयार रहती हैं। जो खवातीन ऐसे कामों में मुलविस है, इनसे कोई भी अच्छा शख्स उलझना नहीं चाहता। लिहाजा शहरी सतह पर घरेलू तनाजे पर भी तवज्जो होनी चाहिए। मुस्लिम माशरे के मसाइल इतने हैं कि जितना भी बोलो कमी है, हालात बद से बदतर बनते जा रहे हैं। मुस्लिम लड़कियों का पढ़ना लिखना और दिन पर रहना काफ़ी मुश्किल हो चुका है। कुछ घरों से ऐसे भी वाकयात सुनने में आ रहे हैं कि बेटी को वालिदैन ही गलत पट्टी पढ़ाकर बजाय समझौते के तनाजे खड़ा करने की हिदायत देते हैं। तू क्यों डरती है, तुझे पढ़ाया लिखाया गया है, तो खुद अपने पैरों पर क्यों खड़ी नहीं होती। लिहाजा जिंदगी को आसान करने के बजाय मुश्किलों के अंधेरे में खुद ही चली जाने लगती है। और जब बेटी को इस नियत से ही पढ़ाया गया है कि तुझे
अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, माशरे के फला बहबूदी के लिए और अल्लाह और उसके रसूल के दीन की सरबुलंदी के लिए नहीं, बल्कि तू खुद अपने पैरों पर खड़ी रहने के लिए पढ़ाया जाए, तो जाहिर नतीजे भी इस तरह के ही बरामद होंगे। कामयाब जिंदगी का मतलब खौफ खुदा, नबी की सुन्नतें और खवातीन के हुकूक पर अपनी बेटियों को खड़ा करने के बजाय वालिदैन का रुख नौकरियां, आजाद ख्याली और बाजारों की जीनत बनाने की तरफ ज्यादा होता है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि लड़कों की कोई गलतियां नहीं होती, मामला तो दोनों तरफ है, लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या इसी उलझनों में उलझने के लिए लड़का और लड़कियों की शादियां की जा रही है। शादियां दो खानदानों को जोड़ने का सबब रहता है और यही इस्लामी अकूमत मोहब्बत का रास्ता होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादियों को तरजीह इसलिए दी कि अल्लाह और उसके रसूल का दीन सरबुलंद हो। इसकी तफसीलात काफी तवील है, लेकिन शादियां माशरे में फलाह बहबूदी के लिए है। माशरे में इसी नहज पर रिश्तेदारी मोहब्बत का पैगाम आम हो सकता है, लेकिन जो भी तालीमात हमें दी गई है बिल्कुल अपने आप को दीनदार समझने वाले भी मुखालिफ सिमत में चलते देखे जा रहे हैं। और जाहिर है जब नतीजे इस तरह के बरामद होते हैं तो एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं। आज इस मौजू पर बोलना इसलिए जरूरी समझा कि पिछले कुछ अरसे से इस तरह की वारदातों में काफी इजाफा हो चुका है। आपने देखा होगा कि किला तालाब के पास इसी अजवाज जिंदगी का एक तालाब सड़क पर कत्ल करने तक पहुंच गया। कहां जा रहे हैं हम लोग? हमारा क्या मकसद है? हम दुनिया में किस लिए आए? हमें दुनिया की सबसे बेहतरीन तालीमात से नवाजा गया, नबी ने हमें सबसे बेहतरीन तालीमात दी, फिर क्या है कि हम रुसवा होने का कोई बहाना हमने अब तक छोड़ा नहीं है। वालिदैन, लड़का लड़की, बुजुर्ग सभी बेहयाई बेगैरती के समंदर में गोते लगा रहे हैं। इतनी मुसीबतें, इतनी परेशानियां, हर रोज मुसलमानों के खिलाफ नए कानून, नए मुनसिबे, तमाम देखते हुए भी पूरा का पूरा माशरा टस से मस नहीं हो रहा। आखिर इस मुस्लिम समाज की किस्मत में क्या है, समझ में नहीं आ रहा। कुछ दीनी रहनुमा चीखते चिल्लाते रहते हैं, गली मोहल्लों में नौजवान नशे के आदी है, मुस्लिम लड़कियां बाजारों की जीनत बनती जा रही है, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी करना गोया एक फकरी आलमिया समझा जा रहा है। गली मोहल्ले के नौजवान नशे के आदी तो हो ही रहे हैं, मुस्लिम लड़कियां बाजारों की जीनत बनती जा रही है। अक्सर बेशतर माशरा बीमार है, बुजुर्गों की सेहत को लेकर एक बड़ा तबका हैरान है, महंगाई और कमाई का तवाजन बिगड़ता जा रहा है, घरों में राशन से ज्यादा दवाइयों के अखराजात बढ़ चुके हैं, दीन से बेजारी है, अल्लाह की तरफ तवज्जो होना छोड़ दिया गया है। और मजीद परेशानियां यह है कि जिस बेटी को अभी ब्याह दिया है कब घर लौटेगी कह नहीं सकते, अभी तक पहले बेटी की ही शादी का कर्जा सरों से उतरा नहीं है। कुल मिलाकर मुसीबतें, परेशानियां उम्मत की कम होने का नाम नहीं ले रही, लिहाजा अपनी जरूरतों को महदूद करें, छोटी छोटी बातों पर बहस मुवासा करना छोड़ दे, क्योंकि एक अच्छी जिंदगी जीना भी अल्लाह की नियामत है। कितनी खूबसूरत जिंदगी अल्लाह ने दी है। उम्मत के लिए काम करने का जज्बा दिलों में रखो। मर्दों को चाहिए कि घरों के मामला खवातीन पर छोड़ दे। आपको तो अल्लाह ने उम्मत का काम करने के लिए मर्द बनाया है, ना कि घरों के औरतों के मामला में दखल देने के लिए। लिहाजा बढ़ते मसाइल को कहीं तो रोकना जरूरी है, वरना इस कौम की तबाही को रोक नहीं सकते, भले ही आप अंधेरे में कितना ही रो रो कर दुआ मांगते रहो। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।